हेलो गाइस नाउ इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस केस स्टडी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द यूनिट नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पैसेज रिलेटेड टू द केस स्टडी क्वेश्चन तो थोड़ा ये डिफिकल्ट है आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो देखिए पैसेज क्या आपके पास क्रिच ऑफ से रिलेटेड है ये पैसेज तो पैसेज में क्या गिवन है क्रिच ऑफ सर्किट लॉज आर टू इक्वेलिटीज डेट डील विद द करंट मतलब वो दो एक प्लेटी से डील करके चलता है करंट एंड पोटेंशियल यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एक के सी एल होता था और एक क्या होता था के वी एल होता था तो वो दोनों ही है एक करंट से रिलेट करता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस से इन द लम्प्ड एलिमेंट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट देवर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन एटीन बाय द जर्मन फिजिसिस्ट गस्ट ऑफ क्रिच मतलब गस्ट ऑफ क्रिच ने इसको बताया था इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो दिया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे देखिए इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ है के से रिलेटेड की जैसे एंट्री के लिए टू टेक द पॉजिटिव लिविंग के लिए आपने क्या लेना है यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेना है जैसे अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे I1 क्या कर रहा है लीव कर रहा है तो अगर वो लीव कर रहा है तो मैंने उसको लगा दिया माइनस साइन फिर ये एंटर कर रहा है तो मैंने उस पर लगा दिया पॉजिटिव साइन फिर आई थ्री भी एंटर कर रहा है इस पे पॉजिटिव साइन लगा दिया आई फोर लीव कर रहा है उस पर मैंने लगा दिया. तो ये टोटल क्या होगा जीरो होगा तो ये मेरे पास के सी एल लग गया अब क्रिच ऑफ करंट लॉ क्या कहता है दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एनी नॉट नॉट इज जस्ट इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इन टू दैट नॉट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नॉट मतलब जितना एंटर करेगा उतना क्या करेगा लीव करेगा जैसे अगर मैं यहां पे भी कहता हूं तो यहाँ पे I2 टू प्लस आई आपके पास क्या हो गया I1 वन प्लस आई तो I2 I3 तो एंटर कर रहा था मतलब जितना करंट एंटर कर रहा उसका सम जितना करंट लीव किया उसका सम ये दोनों आपके पास क्या होंगे इक्वल होंगे क्लियर अब क्रिच वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्टेड सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो मतलब जो वोल्टेजेस का सम आपके पास होगा वो क्या होगा जीरो होगा या आप ऐसे भी कह सकते हो वोल्टेजेस का भी होता है और करंट इनटू रेजिस्टेंस भी वोल्टेज होती है तो उसका सम भी क्या होगा आपके पास जीरो के इक्वलेंट होगा नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर कि क्वेश्चन देखिए आपके पास कैसे होंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे हैं फर्स्ट आपके पास है क्रिच ऑफ करंट लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ कि किसकी कंजर्वेशन के बारे में बताता है ये मेनली चार्ज की कंजर्वेशन के बारे में बताता है ना ही एनर्जी ना ही पोटेंशियल ना ही मोमेंटम आपके पास ये किसके बारे में बताएगा चार्ज की कंजर्वेशन के बारे में बताएगा बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आई इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी होता है और आई का वैल्यू यहां पर नेट जीरो होगा तो क्या आ गया? जीरो और dq जीरो कब होगा जब क्यू आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होगा तो मतलब किसके बारे में इंडिकेट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में इंडिकेट करता है तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट मतलब चार्ज ए ऑप्शन इसका क्या होगा हमारे पास आंसर होगा मतलब आपने क्वेश्चंस को ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली क्लियर नाउ सेकंड क्वेश्चन क्रिच ऑफ करंट लॉ कैन बी रिटर्न एज कि इसको आप कैसे लिख सकते हो करंट लॉ को समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो से रिलेट करता है तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा करंट इक्वल टू जीरो तो मतलब हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियर तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा इसका आंसर होगा थ्री क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज मोमेंटम सॉरी करंट मोमेंटम इसका आंसर हमारे पास होगा एनर्जी तो ये चीजें ना मतलब आपने याद रखनी है एंड यू नो वेरी वेल की ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ नॉट की पैसेज के बेसिस पे दे रहा हूँ क्योंकि पैसेज में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया हुआ बट वी नो वेरी वेल की हमने थ्यूरी पार्ट में किया गया है किया हुआ है कि जो के सी एल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है और जो केवीएल आपके पास होता है वो किसको ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका आंसर देना है क्लियर तो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड ओवर क्लोज सर्किट लूप एट अ सर्किट नॉड अक्रॉस बैटरी नॉन ऑफ द अबव क्लोज सर्किट लू मतलब ए इसका आंसर होगा क्योंकि इसे ना हम क्लोज सर्किट लॉ भी बोल देते हैं क्यों क्योंकि ये हमेशा क्लोज सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल होता है मतलब सर्किट शुड बी क्लोज ठीक है क्योंकि बैटरी वगैरह लगी होगी उसके थ्रू ये ऑपरेट होगा तो ये आपके पास क्या हो? closed circuit loop होगा क्लोज सर्किट लूप पे एप्लीकेबल होगा नॉट की जैसे नॉट के ऊपर आपने अप्लाई करना है नॉट के ऊपर हमारे पास अप्लाई होता है के सी एल नॉट के वी एल तो याद रखना अगर इससे रिलेटेड भी आ जाए KCL, के सी एल नॉड के ऊपर एप्लीकेबल है कि उसमें यह होता है एक point ले लेते हैं जंक्शन पॉइंट जिससे हम नॉड भी बोल देते हैं कितना एंटर कर रहा है क्या लीव कर रहा है उस हिसाब से आपने उसका आंसर देना होता है तो आपने ना कॉन्सेप्ट को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में है क्या एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली क्लियर एनी डाउट